मैं आप सभी का यीशु मसीह के नाम से स्वागत करती हूँ। गुड न्यूज मिनिस्ट्रीज आपके लिए ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है यीशु में आशा। अगर आपके जीवन में कोई आशा नहीं है तो मैं चाहती हूँ कि आप इस बात को समझें और इसे स्वीकार करें कि सिर्फ यीशु में ही आशा है। यीशु आशाहीन के लिए आशा है। मैं चाहती हूँ कि आप इस कार्यक्रम को एक बड़े उम्मीद के साथ देखें। मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये कार्यक्रम आपके और आपके परिवार के लिए एक आशीष का कारण बनेगा। प्रभु आपको आशीष करे। You all in the mighty name of the Lord Jesus Christ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का हम अभिवादन करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। Life is so beautiful and it is a gift of God। और हमारा जीवन बहुत ही खूबसूरत है और वो परमेश्वर के द्वारा दिया गया दान है। God has given us a wonderful life and we must live it। परमेश्वर ने बहुत ही अच्छा एक जीवन हमें दिया है और हम उसमें हम रहने पाए। You know, there are two things in life. One is beginning and the second one is the end। जीवन में दो ऐसी चीजें हैं जो पहली बात शुरुआत और दूसरी बात है जो अंत। Beginning is very, very important. We need to start somewhere, then only we can move forward. शुरुआत बहुत ही जरूरी है और कहीं ना कहीं हमें उसके लिए अपने आप को करना है तभी शुरू होगा। But more than the beginning, the end is more precious, more important. और हम देखते हैं शुरुआत से बढ़कर अंत को ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिया जाता है कई बार। And today we are going to talk about how you and I can have a good destiny। और आज हम देखेंगे किस प्रकार हमारा एक अच्छा लक्ष्य या उस पर हम पहुंचने पाएंगे। In marathon race we have seen many people, in the beginning, thousands and thousands of people will come and they will start the marathon race। और हम देखे हैं मैराथन दौड़ में कई हजारों आकर इस प्रकार दौड़ के लिए शुरुआत में होते हैं। Different types of people would come with great passion and they will start that marathon race। और विभिन्न तरह के लोग कई जोश के साथ आकर उस मैराथन दौड़ में दौड़ के लिए तैयार होते हैं। But when you go to the end, only few people will finish the race। मगर उस दौड़ के अंतिम को अगर हम देखते हैं तो कुछ ही लोग उस दौड़ को पूरा कर पाते हैं। You know, the reality is the person who ends will receive the reward। वास्तविकता ये है कि जो अंत में पहुंचता है उसी को ही इनाम दी जाती है। You know, the person who is completing the race will be rewarded, nicely। और जो व्यक्ति उस दौड़ को पूरा करता है पहले उसको ही हम देखते हैं इनाम के तौर पर देते हुए। In the same way, our life is like a marathon race। उसी प्रकार हमारा जीवन भी एक मैराथन दौड़ के समान है। We started our life and the end is very, very important। The end is more important than our beginning। हमने उस दौड़ को शुरू किया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार हमारा अंत होगा और शुरुआत से बढ़कर अंत महत्वपूर्ण गिना जाता है। One man of God says, watch your thoughts, they become words. Watch your words, they become action. Watch your action, they become habits. Watch your habits, they become character. And watch your character, it will become your destiny. किसी ने इस प्रकार कहा, अपनी विचार को देखो, वो आपको शब्द में बदलती है। अपने शब्दों को देखो, वो आपके कार्य में बदलती है। अपने कार्यों को देखो, वे आपके आदत में बदलती है। और अपने आदत को देखो, वो आपके चरित्र में बदलता है। और चरित्र को देखो, ताकि वही आपका अंतिम लक्ष्य होती है। The main thing is, watch your thoughts। सबसे पहली या मुख्य बात है, अपने उस विचार को देखें। Everything starts in your brain। सब कुछ शुरू होता है उस मस्तिष्क में। If your thoughts are good, if your thoughts are perfect, and your words will be amazing and good। जब आपके विचार अच्छे होते हैं तभी आपके शब्द जो मुंह से निकलती है वो अच्छी होती है। If your words are good, then your action will be fine। अगर आपके शब्द अच्छे होते हैं तो आपके कार्य जरूर बहुत ही प्रतिफल लाएगी। Because our actions only becomes our habits। क्योंकि हमारे जो कार्य जो करते हैं वही हमारे आदत में बदलती है। When it becomes our habit, then it becomes our character also। जब हमारी आदत उस प्रकार आगे बढ़ती है वो हमारे चरित्र में बदल जाती है। And according to your character, your destiny will be।
और आपके उस चरित्र के अनुसार ही आपका लक्ष्य होगा. अकॉर्डिंग टू योर बिहेवियर, अकॉर्डिंग टू योर कैरेक्टर, यू नो यू विल हैव यू नो गुड डेस्टिनी और बैड डेस्टिनी. आपके स्वभाव या चरित्र के अनुसार ही होगा आपका अच्छा या भला यू नो लक्ष्य में पहुंचना. दैट्स व्हाई अपोस्टल पॉल सेज इन रोमन चैप्टर 12 वर्स 1, रिन्यू योर माइंड विद द वर्ड्स ऑफ गॉड. इसीलिए प्रेरित पौलुस 12वां अध्याय रोमियों के पत्र में कहता है कि अपने मन को पुनर्स्थापित करो. वी नीड टू रिन्यू आवर माइंड एंड वी हैव टू स्टार्ट विद अ गुड थॉट्स. इसीलिए अपने मन को नएपन में ले आना है और एक शुरुआत होनी है अच्छी विचार के साथ. इफ यू गो टू फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 8, अगर आप जाते हैं फिलिपियों के पत्र उसका 4वां अध्याय उसके 8वें आयत में, अपोस्टल पॉल वाज टेलिंग टू फिलिपियंस, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, व्हाटएवर is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहता है, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो. अपोस्टल पॉल वाज टेलिंग फिलिपियंस फोकस ऑन 8 थिंग्स इन लाइफ. और वहां पर प्रेरित पौलुस फिलिपियों के विश्वासियों को कहता है 8 ऐसे बातों की ओर अपना ध्यान लगाओ. योर लाइफ इज लाइक अ डायमंड that God eight, you know, sides. और आपका जीवन जिस प्रकार एक मोती के समान जिसके 8 ऐसे कोने को दर्शाती है. The first thing is, you know, truthfulness. और सबसे पहली बात है जो सत्यता. Noble. और दूसरा आदरणीय. Right things. और उचित बातें. Or righteous things. और फिर धार्मिक बातें या पवित्र बातें. A pure life. एक पवित्र जीवन. A lovely life. एक सुहावनी जीवन. A admirable nature. एक ऐसा स्वभाव जो मन भावती है. एक्सलेंट कैरेक्टर्स. और ये अच्छी या सद्गुण स्वभाव. प्रेज़वर्दी थिंग्स. और प्रशंसा की बातें. इफ यू वांट टू हैव दिस काइंड्स ऑफ 8 नेचर्स एज योर डेस्टिनी, फर्स्ट ऑफ ऑल अपोस्टल पॉल इज टेलिंग फोकस ऑन दिस थिंग. अदरवाइज ही वाज सेइंग Think about such things. आप एक अच्छे लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ते हैं तो ये 8 बातों की ओर प्रेरित पौलुस कहता है आप ध्यान लगाओ, उसकी ओर केंद्रित होने पाओ. This is a beautiful life, and you're saying if you want to have a beautiful life and have a good destiny, first of all he said think about such things. एक अच्छा मनोहर या खूबसूरती से भरा हुआ एक लक्ष्य की ओर जाना है तो इन बातों की ओर आप ध्यान देते रहो. Transform your mind and have a vision for these 8 things. अपने मन को परिवर्तित करके यू नो आपका ध्यान इस 8 बातों की ओर लगाने के लिए कहता है. Many times you know we want to be a faithful and true person. कई बार हम अपने जीवन में विश्वास योग्य और सत्य व्यक्ति होना चाहते हैं. We want to be a noble one. हम कई बार एक आदरणीय व्यक्ति बनना चाहते हैं. We want to be righteous. हम एक धर्मी या हम एक उचित व्यक्ति होना चाहते हैं कई बार. We want to be pure and holy. हम कई बार पवित्र और शुद्ध होना चाहते हैं. We want to be loving and we want to have a lovely life. और हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुहाना से भरा होने पाए. We want to be admirable. और हम उस प्रकार मन भावना की बातें हम उस प्रकार करते हैं. We want to be excellent. और हम सद्गुण से भरे हुए व्यक्ति होना चाहते हैं कई बार. We want people to praise us because we are doing good things. हम उस प्रकार के व्यक्ति या प्रशंसा के व्यक्ति होने पाए ताकि नो हम उन बातों को लगातार करें. These are the expectations of every human being. हर एक मनुष्य जाति की ओर आशा की गई बात जो परमेश्वर की ओर से यही है. If you want to have this kind of amazing destiny, first of all, Apostle Paul says, think about such things always. इस प्रकार की बातों में आप अपना ध्यान लगाने चाहते हैं तो प्रेरित पौलुस कहता है तो उसकी ओर आप ध्यान लगाओ या विचार करो. First of all, you should decide what you want to be.
सबसे पहले आप अपने आप को निर्णय करने पाए कि क्या बनना चाहते हैं आप। Everything starts with your goal and vision. आपके लक्ष्य और दर्शन के आधार पर सबकी शुरुआत होती है। If your goal is good, you know, everything will go nicely. अगर आपका लक्ष्य अच्छा है तो सभी कुछ सही तरीके से आगे बढ़ेगा। I've seen many people, they have a good goal, but their thoughts were totally horrible and ridiculous. मैंने कई ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसके लक्ष्य बहुत ही अच्छे थे मगर उनके विचार बहुत गलत होने के कारण पराजित हो गए। If your thoughts are evil, अगर आपके विचार बुरे हैं, your destiny will be evil. आपका जो लक्ष्य होगा वो भी बुरा होगा। If your thoughts are good, if your goal is good, your destiny will be good. अगर आपका लक्ष्य और आपके विचारें सही है या सही तरीके का है तो आप उस स्थान पर पहुंचेंगे सही तौर पर। When people look at us, they should say, this man is a true man. He is a faithful man. जब लोग हमारी ओर देखते हैं तो वो कहने पाए ये व्यक्ति एक सही व्यक्ति है और ये विश्वास योग्य है। If you want to become a true man, a faithful man, first of all, you need to think about, you know, truth in life. अगर आप बनना चाहते हैं एक सत्य और विश्वास योग्य व्यक्ति तो अपने विचार सबसे पहले ठीक होने पाएं। Don't focus on illusions and myths. और कभी भी बनाई हुई उस प्रकार की बातों की ओर ना ध्यान दें या मन लगाएं। Don't focus on false reports. और गलत बातों की ओर आप ध्यान ना दें कभी भी। Don't listen to false teachings and unwanted teachings in life. अपने जीवन में गलत शिक्षा या उसकी जरूरत नहीं उस प्रकार की शिक्षा की ओर आप अपना ध्यान ना लगाएं। Bible is the word of God. बाइबल परमेश्वर का वचन है। Bible is the truth. बाइबल ही सत्य है। And if you read the word of God and if you meditate the word of God day and night, you will be a successful person. अगर आप परमेश्वर के वचन को लगातार सुबह और शाम मनन करते रहेंगे जरूर आप अपने जीवन में उस सफलता को पाएंगे। If you want to become noble, अगर आप एक आदरणीय व्यक्ति बनना चाहते हैं, first of all, you should have a noble thoughts. सबसे पहले आपके अंदर का विचार उसी प्रकार की होनी पाए। If I have noble thoughts, then one day I will become a noble person. अगर मेरे अंदर में आदर उस सोच विचार हैं तो जरूर मैं एक आदरणीय व्यक्ति बनूंगा एक दिन। Some people, they have a cheap mentality. और कुछ लोगों के पास बहुत ही कम धर का उस प्रकार के विचार उनके अंदर में है। Some people, they have poverty mentality. कुछ लोगों के अंदर में कंगालपन की इस प्रकार की विचारें हैं। They cannot think noble. और वो कभी भी उस प्रकार आदरणीय व्यक्ति के समान विचार नहीं कर सकते। I tell you, my dear brothers and sisters, that kind of people will never become noble in their life. और उस प्रकार के व्यक्ति कभी भी उनके जीवन में आदरणीय व्यक्ति नहीं बन सकते। Thirdly, Apostle Paul was saying, think about righteous thing. और तीसरा हम देखते हैं पौलुस कहता है वहां पर साफ तौर पर उस उचित व्यक्ति की ओर। Think whatever is right. जो कुछ सही है उसी की ओर विचार करें। Thirdly, if you want to become righteous, अगर आपको एक उचित व्यक्ति बनना है, first of all, you should decide that you are going to live a righteous life. सबसे पहले आप निर्णय लें कि मैं एक उचित जीवन व्यतीत करूंगा। Secondly, think about what are the righteous thing that I can do so that I can glorify God. आप सोचे क्या कुछ वो बातें हैं जो उचित है जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सकती है। And if you have unrighteous things in your life, and I want you to get rid of all kinds of unrighteous things. अगर आपके जीवन में अधर्मिक चीजें भरी हैं, तो आपसे मेरा निवेदन है कि उन सभी बातों को छोड़कर इसकी ओर मुड़े। So that you one day you can become a righteous person. उसके कारण आप एक दिन धर्मी बन सकते हैं। Apostle Paul was saying, think whatever is pure. प्रेरित पौलुस कहता है वहां पर आप विचार करें जो कुछ शुद्ध या पवित्र होती है। Many people want to live a pure, clean life. एक साफ सुथरा जीवन या एक शुद्ध पवित्र जीवन कई लोग चाहते हैं जीने के लिए। But if your thoughts are not clean, you will never become pure and clean. अगर आपके विचार सही नहीं हैं, कभी भी आप उस प्रकार पवित्र नहीं हो सकते। If you think about dirty things and evil things and immoral things, your life will become immoral.
अगर आप गलत बातों को या बुरी बातों को, अनैतिक चीजों को सोचते हैं, उस प्रकार आपके जीवन में उस प्रकार की बातें ही होगी। Many people they want to live a holy life, but they are not able to live a good life. कई लोग एक पवित्रताई के जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, मगर उनके विचार के कारण वो उस प्रकार के जीवन में आ नहीं पाते। Just having goal is not at all enough. लक्ष्य हमारे सामने होने ही काफी नहीं है मेरे प्रियो। Good to have goals in our life. ये बहुत ही अच्छा है कि एक लक्ष्य हमारे सामने होती है। But every goal should be reachable. हर एक लक्ष्य में हम पहुंचने योग्य होने पाए। And you have to start somewhere in your life. उसके लिए आपको अपने जीवन में कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत करनी है। Apostle Paul was saying, you know, start in your brain. प्रेरित पौलुस कहता है कि आप अपने उस मन में या मस्तिष्क में शुरू करें। Then only, you know, you can control your words and actions. तभी आप अपने बातों को और कार्यों को नियंत्रण कर सकते हो। I've seen people, they are trying to control their actions and words, they are not able to do it. और कई लोगों को हम देखे हैं कि जो अपने कामों को, बातों को नियंत्रण करना चाहते हैं मगर नहीं कर पाते। They struggle with their actions. उनके कार्यों के द्वारा कई बार वो पीड़ित हो जाते हैं। Some people they struggle with their habits. मुश्किलों से भरे होते हैं कई लोगों के जीवन उनके स्वभाव के कारण। Some people they struggle with their characters. और कुछ लोग हैं उनके चरित्र से वो कई बार लड़ते रहते हैं। It is very very difficult to fight with our characters and habits. ये बहुत ही मुश्किल है आदत और चरित्र के साथ लड़ना मेरे प्रियो। But it is very very easy to fight with our thoughts. मगर ये बहुत ही आसान होता है हमारे विचारों से लड़ना। So my dear brothers and sisters, इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, think whatever is pure. आप सोचे उन बातों को जो पवित्र हैं। And fifthly, Apostle Paul was telling to Philippians, you know, think whatever is lovely. और पांचवी बात हम देखते हैं, प्रेरित पौलुस वहां पर कहता है, you know, सुहावनी बातें। You know, many people they want to be loving. और कई लोग हैं जो उस प्रकार एक प्रेम से भरा हुआ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। They want to love people and they want everybody to love them. वो चाहते हैं कि वो हर व्यक्ति को प्रेम करे, उसी प्रकार सभी लोग उसे भी प्रेम करें। The true love starts in our heart. एक सच्चा प्रेम की शुरुआत होती है हमारी हृदय में। It starts in our mind. वो हमारे मन में शुरू होती है। Think about lovely things. और सुहावनी बातें ही सोचते रहें। And as you think about lovely things, you know, you will become more lovable. और जब आप उस सुहावनी बातें सोचते रहेंगे तो आप उस योग्य एक व्यक्ति बन जाते हैं। और If you keep thinking about bitterness, anger, retaliation, rebellious things, I tell you, you can never be a loving person. आप हर वक्त क्रोध या बुरी बातें या इस प्रकार बदला लेने की भावना में रहते हैं, आप एक सुहावने व्यक्ति नहीं बन सकते। If you want to be a lovable, a loving person, you know, think about lovely things. अगर आप दूसरों को प्रेम करना चाहते हैं और लोग आपको भी, तो आप उन बातों को सोचें जो प्रेम से भरे हैं। Apostle Paul was telling, you know, think about what is admirable. प्रेरित पौलुस आगे बढ़कर कहता है कि मन भावनी बातों की ओर ध्यान दो। Admirable things, you know, should start in your brain. और मन भावनी बातें आपके मन में शुरुआत होने पाए। When we do things, people may not like it. जब आप उसे करेंगे तो लोग को वो पसंद नहीं हो सकती। You know, many times you are doing things, you know, your parent doesn't like. और कई बार आप कई बातों को करते हैं, आपके माता पिता को वो पसंद नहीं होती। Nobody likes what you are doing in life. अपने जीवन में जो कुछ करते हैं उससे और लोगों को पसंद नहीं है। Why? Because what you are doing may not be right. क्यों? क्योंकि जो कुछ आप करते हैं हो सकता है वो सही नहीं है आपके जीवन में। It is not admirable. वो इस प्रकार मन भावनी नहीं होगी। It may be just a duplication. हो सकता है दिखावे के लिए आप करते होंगे वो। So my dear brothers and sister, first of all, I want you to think admirable things. So सबसे पहली बात मेरे प्रियो, आप उस मन भावनी बातों को अपने आप में विचार करें। And seventhly, Apostle Paul was saying, think about if anything is excellent. और सातवीं बात हम देखते हो, कहता प्रेरित पौलुस, अगर कोई बात है जो सद्गुण से भरा है। You know, we want to do excellent things in life. हम अपने जीवन में सबसे बेहतर करना चाहते हैं। I've seen many young guys, they want to excel in life.
और सद्गुण की बातें कई लोग को करना चाहते मैंने देखा है. They want to do extraordinary things. वो औरों से बढ़कर कुछ अलग सा करना चाहते हैं. They want to do more things in their life. और वो अपने जीवन में बहुत सी बातें करना चाहते हैं. But it should start from your brain. मगर उसकी शुरुआत आपके मन से होने पाए. You should have a vision to do extraordinary things in life. आपके अंदर में वो दर्शन होने पाए उस चीजों को करने के लिए जो उससे परे हैं, बहुत ही अलग. If you want to do extraordinary things, put little extra effort, it will become extraordinary things. अगर आप उस प्रकार की बातें या बड़ी बातें करना चाहते हैं, आप अपने जो कुछ करते हैं उसमें और कुछ भी जोड़ें, जरूर आप अलग होंगे बाकी सभी से. In this world, many people are doing things normally, ordinarily they do things. और हम देखते हैं जगत में नो अधिकतर लोग साधारण से कई बातें नो लगातार करते रहते. If you want to do extraordinary things, अगर आप उनसे कुछ अलग होकर करना चाहते हैं तो put little extra effort. उसके लिए आप अपनी ओर से कुछ ज्यादा बातें उसमें डालने पाए. Put more concentration. और अपना ध्यान और उस पर लगाने पाए. Put little extra source in that. अपना कुछ स्रोत ज्यादा उसमें डालने पाए. So that your things, whatever you do, will be excellent. ताकि जो कुछ आप करेंगे उसमें हम देख सकते हैं उस नो सदगुण को. Eighthly, finally, Apostle Paul was saying, think about praiseworthy things. और आखिरकार आठवीं बात प्रेरित पौलुस वहां पर कहता है कि प्रशंसा की बातें. Think about praiseworthy. और आप सोचे उस प्रशंसा की बातें. We want everybody to appreciate us. हम चाहते हैं कि हर एक लोग हमारा आदर सम्मान करें. Every minute I've seen people expecting that people would come and appreciate them. मैंने देखा है हर क्षण के लोग आकर इस प्रकार उससे कहें उस प्रशंसा की बातें उसको. When people they don't appreciate, you know, they are disturbed and they collapse. जब लोग उनकी प्रशंसा नहीं करते हैं तो वो व्यक्ति उलझन में पड़ जाता है और गिर जाता है. It's a normal thing to expect appreciation. एक साधारण से बात है कि दूसरों की प्रशंसा हमारे जीवन में हो. It is the nature of every human being. हर एक मनुष्य जाति का स्वभाव में वो पाया जाता है. When they do something, immediately they expect that people will come and say that you have done a great job. कुछ वो करते हैं तो वो तुरंत चाहते हैं कि और लोग आकर इस प्रकार कहें आपने बहुत बड़ा काम किया है. But in your life, people are not appreciating you. हो सकता है आपके जीवन में लोग आपकी प्रशंसा नहीं करते होंगे. So I want you to first of all think about praiseworthy things. सबसे पहली बात मेरी ओर से आप पर यह है कि आप उन प्रशंसा की बातों को पहले सोचिए. What are the things will bring appreciation? क्या कुछ बातें हैं कि उस प्रकार की प्रशंसा की बातें ले आ सकती है. What should I do in order to get appreciation from my family members? अपने परिवार के लोगों के द्वारा मेरा सम्मानित होने के लिए मुझे क्या कुछ करना पड़ेगा. I want you to think praiseworthy things. मैं चाहता हूं कि आप उस प्रशंसा की बातें सोचते रहें. What my husband will like, what my children would like. मेरी पत्नी क्या इस प्रकार देखती होगी या फिर मेरे बच्चे क्या इस प्रकार सम्मानित करते होंगे. When my husband, when my wife, when my children will appreciate me. कब मेरी पत्नी, पति या बच्चे इस प्रकार मेरी प्रशंसा करेंगे. What I can do for them so that they can remember those things and appreciate me. मैं उनके लिए क्या करूं ताकि वो मेरा इस प्रकार सम्मान और प्रशंसा करें. So when you think about those things and when you do it, I tell you, you will get more appreciation from your family members and outsiders also. जब आप उस प्रकार के विचार के साथ करते आगे बढ़ेंगे तो मैं कहता हूं कि आप अपने परिवार के लोगों के द्वारा और लोगों से भी प्रशंसा की बातें सुन सकते हैं. My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, I want you to first of all, you know, think about these 8 things in your life day and night and continuously. मैं चाहता हूं कि सुबह और शाम लगातार इन 8 बातों की ओर आप ध्यान से विचार करते रहें. If you have good thoughts, your destiny will be good. अगर आपके अच्छे विचार हैं तो जरूर आपका लक्ष्य अच्छा होगा. Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें. Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, this morning we come before your presence, O God. इस सुबह के समय आपकी उपस्थिति में हम आते हैं. Lord, we commit your children into your mighty hands, O Father. बच्चों को तेरे हाथों में देते हैं स्वर्गीय पिता. Lord, your children have been disturbed because
they are not able to get good outcome, oh God. परमेश्वर, ये बच्चे इस प्रकार उलझन में पड़ चुके हैं कि वो जिस प्रकार उनके विचार या उनकी बातें उस प्रकार नहीं हो पा रही हैं। They are working hard, they are working from morning till end, but that they are not getting appreciation, they are not receiving any good gifts, oh God. वो सुबह से लेकर शाम तक कार्य करते हैं बहुत ही मेहनत के साथ, मगर उस प्रकार की प्रशंसा या परिणाम उन्हें नहीं मिल रही है। Lord, I pray that your grace would come upon them. प्रार्थना करते हैं कि तेरा अनुग्रह उनके ऊपर होने पाए प्रभु। Holy Spirit of God, you empower them, O God. पवित्र आत्मा परमेश्वर उनको अपनी सामर्थ्य से भर दे प्रभु। So that they can be noble, they can be righteous, they can be pure, and they can be praiseworthy, Lord. ताकि उसके द्वारा वो सत्य लोग या आदरणीय लोग या उचित लोग या पवित्र लोग होने पाए अपने जीवन में। उनको अपने पंखों के तले छुपा ले प्रभु जी। Take care of them, Lord. उनका ख्याल कर प्रभु जी। Heal them by your stripes, O God. अपने कोड़ों से उसको तू चंगाई दे दे प्रभु। You are the miracle working God. तू अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। Lord Jesus, perform miracles in their life, O God. यीशु मसीह उनके जीवन में चमत्कार कर। Lord, in this time we sprinkle your blood upon them, O Father. हम इस समय तेरे लहू को छिड़कते हैं प्रभु जी। Take away all the weaknesses, O God. उनके अंदर के हरेक कमजोरियों को दूर कर दे। Take away all the sickness, O God. उनके हरेक रोगों को दूर कर दे प्रभु। And heal your children, O Father. तेरे बच्चों को तू चंगाई दे दे। In Jesus name I pray. यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. 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 My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, I prayed for you. मैंने आपके लिए प्रार्थना किया। God heard our prayers. परमेश्वर ने हमारे प्रार्थनाओं को सुन लिया। Surely he will perform miracle in your life. निश्चय वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। You will receive your healing. आप उस चंगाई को प्राप्त करेंगे। Call the number that is on the TV screen and share what the Lord has done in your life. जो स्क्रीन में नंबर दिया गया है उसमें हमें बुलाएं और कहें किस प्रकार परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया। Surely God will bless you. निश्चय परमेश्वर आपको आशीष देगा। Amen. आमीन।